गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अम्बाला में प्रदेश की पहली हेल्थ एटीएम कार्ड मशीन का किया शुभारंभ। बेहद कम समय में मिल सकेंगी व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जानकारियां। फरीदाबाद के जेसी बोस वाईएमसीए विश्वविद्यालय ने रन फॉर तिरंगा रैली निकाली, शहरवासियों को हर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पंचकूला में तिरंगा लगे लगभग 200 ऑटो रिक्शा दे रहे हैं लोगों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का संदेश। और 32 साल बाद भारत को विश्व कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दिलाने वाले पहलवान सूरज वशिष्ठ का घर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। कहा, ओलंपिक खेलों में पदक जीतना है अगला लक्ष्य। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक, अब समाचार विस्तार से। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज अम्बाला के पुलिस ऑडिटोरियम में हेल्थ एटीएम कार्ड मशीन का शुभारंभ किया। प्रदेश में इस प्रकार की ये पहली मशीन है जिससे बेहद कम समय में व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जानकारियां मिल सकेंगी। गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं और हमें अपने खान पान को लेकर सजग रहना चाहिए और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। कौन सा भोजन कितने मिनरल देने हैं, कौन सा कितने विटामिन देने हैं भोजन में, उसकी भी जो है वो सोच विचार होना चाहिए। और आम घरों में भी लोगों को भी मैं हर जगह से ये बात कह रहा हूँ कि हर माँ को हर बहन को डाइटिशियन बनना पड़ेगा, डाइटिशियन बनना पड़ेगा अगर हम स्वस्थ अपनी जनरेशन को रखना चाहते हैं। और स्वस्थ जनरेशन ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, स्वस्थ नेशन ही। बीमार लोगों से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। स्थानीय निवासियों ने इस मशीन की सराहना करते हुए कहा कि इससे त्वरित स्वास्थ्य जांच हो पाएगी और व्यक्ति को समय पर इलाज भी मिल सकेगा। लॉर्ड्समार्क इंडस्ट्रीज़ जो मुहिम चला रही है और जो नई टेक्नोलॉजी ला रही है वो बड़ा फ़ायदेमंद है लोगों के लिए, और ये नए नए आविष्कार की बहुत ज़रूरत है हिंदुस्तान को। और मैं लॉर्ड्समार्क इंडस्ट्रीज़ की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो इस तरह से विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। नई मशीन आई है, बहुत फ़ायदेमंद है आगे फ्यूचर के लिए भी, और टेक्नोलॉजी आगे बहुत इम्प्रूव हो रही है। मैं सेक्टर 9 का रहने वाला हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ इस। हर घर तिरंगा अभियान के तहत फरीदाबाद के जेसी बोस वाईएमसीए विश्वविद्यालय ने रन फॉर तिरंगा रैली का आयोजन किया। वाईएमसीए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके तोमर ने रन फॉर तिरंगा रैली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में देश के लिए प्रेम और समर्पण की भावना होना प्रशंसनीय है। हर घर तिरंगा के इस मुहिम पर आज मैं अपने सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज का उत्साह देखने को बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे देश का गौरव प्रतीक है और इसके माध्यम से हम जन जन में चेतना जगाना चाहते हैं। विद्यार्थियों ने रन फॉर तिरंगा रैली में जोश और जुनून के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने शहरवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों पर तिरंगा लगाने का आग्रह किया। थैंक यू यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने इतना एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया हर घर तिरंगा यात्रा, जिसके अंदर सारी यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे इकट्ठे हुए हैं। और हमने फरीदाबाद के अंदर हर गलियों के अंदर सबको ये बताया है कि हमने 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में जो अपने घर पर तिरंगा लगाना है। अब कितनी एक अच्छी फीलिंग्स आती है जब मेरे यूनिवर्सिटी के सभी छात्र एक साथ इकट्ठे होकर भारत माता की जय, हर घर तिरंगा के नारे लगाते हैं। फरीदाबाद में एकजुटता का हमने संदेश दिया और हमने यहाँ के लोगों से आह्वान किया कि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं। ये तिरंगा हम सब में एकरूपता का प्रतीक है। इस त्यौहार को जब हर घर पर तिरंगा लहराएगा तो ये एक यूनाइटेड सेलिब्रेशन होगा, जब पूरा देश इसको
इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहा होगा। आज हमारा हिंदुस्तान धर्म, जाति और इन सब चीज़ों में बटा हुआ है, लेकिन अगर हम उस पर्दे को हटा कर देखें तो हम सब लोग एकजुट है और तिरंगा हमारी उसी एकजुटता को दिखाता है। आज हम सब लोगों ने इस अभियान के द्वारा सब लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें तिरंगे को अपने घर में लगाना चाहिए, हमें दिखाना। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान में जिलावासियों को घर घर तिरंगा लहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से पंचकुला के उपायुक्त महावीर कौशिक ने तिरंगा लगे लगभग 200 ऑटो रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को आज़ादी के महत्व के बारे में बताने के लिए हर घर तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य राष्ट्र ध्वज का सम्मान और उसकी रक्षा करना भी है। उन्होंने सभी ऑटो रिक्शा चालकों से इस अभियान का हिस्सा बनने और ऑटो में बैठने वाली सवारियों को भी हर घर तिरंगा का संदेश देने की अपील की। एक ऑटो चालक है, वो लगभग सैकड़ों लोगों को दिन में सवारी देता है, तो आप लोगों के माध्यम से मेरा आम जनता से ये निवेदन है कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो हर घर तिरंगा है, ये जो अभियान है आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचे और आप लोग भी अपने घरों पर भी, अपने आस पड़ोस के घरों पर भी और अपने जितने भी जानकार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सबको मोटिवेट करें ये तिरंगा लगाने के लिए और आपके ऑटो में जो भी बैठे उनके पास भी ये संदेश पहुँचाएँ कि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमने हर घर के ऊपर जो तिरंगा है ये फहराना है। ऑटो चालकों ने कहा कि इस अभियान का हिस्सा बनकर वे न केवल स्वयं बल्कि जन जन को भी राष्ट्र भावना से जोड़ने में अपना सहयोग देंगे। एक ऑटो से शुरुआत की है जो मोदी जी ने, मतलब ये राष्ट्रीय ध्वज की, और ये हमारे पंचकुला डीसी सर ने हमारे ऑटो वालों से स्टार्ट किया और इसको देख के हमारे को भी बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि भी हमारे को देख के और लोग भी जागरूक हों। नई शुरुआत की है ना, मैं राष्ट्रीय हमारी धरोहर है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है और ये घर घर में लहराना चाहिए ताकि जनता जागरूक हो। हमने जी झंडे लगाए हैं जी सारे को जगरात करने के लिए, भाई सब लगाए झंडे, भाई बहुत बढ़िया एक काम किया मोदी जी ने, बहुत बढ़िया। इटली में संपन्न हुई विश्व कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता अंडर 17 में 32 साल बाद भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले रोहतक के रिठाल गांव के पहलवान सूरज वशिष्ठ का आज अपने पैतृक गांव में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पहलवान सूरज ने कहा कि इस स्वागत से उनका हौसला बढ़ा है और अब उनका लक्ष्य आगामी ओलंपिक खेलों में पदक जीतना है। आज मुझे बहुत खुशी है, मेरे गांव ने इतना सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत साहब हैं, सारे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, नवीन भाई साहब हैं, बहुत सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत मनोबल बढ़ा मेरा, आगे भी चलकर मैं ओलंपिक में गोल्ड दे सकता हूँ इतना आत्मविश्वास हो गया। गाँव बहुत सपोर्ट कर रहा, सभी भाई बुजुर्ग सभी बहुत सपोर्ट कर। पहलवान सूरज के प्रशिक्षक रवि नहलावत ने कहा कि सूरज ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है और उन्हें उम्मीद है कि वे ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक प्राप्त करेगा। ग्रामीणों ने कहा कि सूरज वशिष्ठ की इस उपलब्धि पर उन्हें गर्व है। गोल्ड लेके अपना नाम रोशन, अपना अपना नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है, जिसका नाम ही सूरज हो गया वो तो पूरे उसमें चमके ही चमकेगा जी। ये वो हीरा है, आने वाले समय में ओलंपिक से ही मेडल ला सकता है। हमारे बेटे सूरज जो विश्व कप कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत के आए, सारा गांव को हांड सारा जलारो तक उमड़ा हुआ है और बच्चे को आशीर्वाद दे रहे, और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है कि 32 साल पहले भी भारत में एक मेडल आया था और 32 साल के बाद हमारा ये बेटा मेडल लेके आया है। हम बात गांव की करें, जिले की करें, प्रदेश की करें और देश की करें, लेकिन पूरी दुनिया में परचम फहराया है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। 5 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदकों सहित भारत 7वें स्थान पर है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में तेजस्विन शंकर ने पुरुषों की ऊंची कूद में 2.22 मीटर छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स इतिहास में हाई जंप में भारत का ये पहला पदक है। भारोत्तोलन में लिफ्टर्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। गुरदीप सिंह और लवप्रीत सिंह ने 109 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि भारतीय भारोत्तोलक लगातार शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं।
उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने पर तेजस्विन शंकर को बधाई देते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में देश का पहला पदक जीतकर तेजस्विन ने इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक विजेता गुरदीप सिंह को भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उत्कृष्ट परिणाम दिया है और उन्होंने देशवासियों को गौरवान्वित किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने के लिए लवप्रीत सिंह को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रमंडल खेलों में स्क्वैश में सौरभ घोषाल ने इतिहास रचते हुए कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। स्क्वैश के सिंगल स्पर्धा में राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत का ये पहला पदक है। वहीं जूडो में महिलाओं के 79 किलोग्राम भार वर्ग में तुलिका मान ने रजत पदक जीता। केंद्र सरकार ने 5 से 15 अगस्त तक देश भर में अपने सभी संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर आगंतुकों और पर्यटकों का प्रवेश निशुल्क कर दिया है। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये निर्णय लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने बताया कि आगामी 5 से 15 अगस्त तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों और स्थलों में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कैथल जिले के गुहला और राजौंद खंड के गांवों में अधिकारी जनता के बीच पहुंचकर उन्हें जल प्रबंधन के बारे में जागरूक कर रहे हैं। कैथल जिले के गुहला और राजौंद खंड के गांवों में भूजल काफी नीचे चले जाने के कारण ये क्षेत्र डार्क जोन में चले गए हैं। अटल भूजल योजना के कैथल आईईसी विशेषज्ञ विक्रम सिंह और भूजल विशेषज्ञ शिव कुमार ने कहा कि इन गांवों के किसानों और ग्रामीणों को अपने खेतों में कम पानी की लागत वाली फसलों को उगाने और जल प्रबंधन को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कैथल के दो ब्लॉक डार्क जोन में आते हैं, गुला और राजौंद। यहाँ पे ये योजना शुरू की गई है। दोनों ब्लॉक में लोगों को किस तरह से भूजल जो है उसका महत्व बताते हुए नुक्कड़ नाटक के जरिए, जल पंचायत के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि पानी का महत्व क्या है। जल सुरक्षा योजना बनाने जा रहे हैं, उसमें इसका हम ये बताते हैं, जैसे रिचार्ज कैसे करेंगे, नीचे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करेंगे और इसमें फसल विविधीकरण का भी काम हम साथ में कर रहे हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो चंडीगढ़ के नाटक मंडली के कलाकार ने कहा कि वे गीत संगीत और नाटकों के माध्यम से लोगों को पानी की बचत करने का संदेश दे रहे हैं। हम अपने गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से और लोगों को यही बता रहे हैं, यही हम पूरा हमारा प्रयास रहता है कि आप जो है कम पानी वाली जो फसलें हैं उनको आप उगाएं, क्योंकि घटता हुआ जल स्तर जो है बहुत, वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। किसानों ने कहा कि हमें भविष्य में जल संकट से बचने के लिए कम पानी की लागत वाली फसलें उगानी चाहिए। क्योंकि अभी जो 150-200 फुट पे चला गया तो आने वाले टाइम पे तो जो 300 फुट पे चले जाएगा, तो जो ये योजना बनवाई है ना, इनका हम साथ दे, हमारा साथ दे तो हम इनके साथ चलें तो बहुत अच्छी चीज़ है। पानी बचाओ, नीचे से जो पानी ले रहे हैं अपा जी, इसको नजायज़ ना मतलब खर्च करो जी। अगर नजायज़ खर्चेंगे जी, जीरी की बजाय जी और कोई, जैसे हर हर हो गई, दालें लगाओ, सब्जी लगाओ जी। इसको बचाने के लिए कोई न कोई तो उपाय करना पड़ेगा, जो सरकार ने कदम उठा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022-2023 के गन्ना पिराई सीजन के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य की मंजूरी दे दी है। इस बार अब तक का सर्वाधिक मूल्य 305 रुपये प्रति क्विंटल मंजूर किया गया है, जो वर्ष 2021-2022 के मौजूदा मूल्य से 2.6% अधिक है। गन्ना उत्पादक किसानों को निश्चित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य तय किया जाता है। इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा चीनी मिलों और संबंधित गतिविधियों में लगे 5 लाख श्रमिक भी लाभान्वित होंगे। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले 8 वर्ष में उचित और लाभकारी मूल्य में 34% से अधिक की बढ़ोतरी की है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में प्रदेश की पहली हेल्थ एटीएम कार्ड मशीन का किया शुभारंभ। बेहद कम समय में मिल सकेंगी व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जानकारियां।
फरीदाबाद के जेसी बोस YMCA विश्वविद्यालय ने रन फॉर तिरंगा रैली निकाली, शहरवासियों को हर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पंचकूला में तिरंगा लगे लगभग 200 ऑटो रिक्शा दे रहे हैं लोगों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का संदेश। और 32 साल बाद भारत को विश्व कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दिलाने वाले पहलवान सूरज वशिष्ठ का घर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत, कहा ओलंपिक खेलों में पदक जीतना है अगला लक्ष्य। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।